नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार। विभिन्न मांगों के साथ बोटाद सहित गुजरात के सभी डिपो के एसटी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूरे गुजरात सरकार के कर्मचारियों ने वेतन के साथ साथ वर्ग तीन के कर्मचारियों को भूमि पर हड़ताल के रूप में लिया है। गुजरात बनासकांठा से दीपक पुरवैया की ये रिपोर्ट। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले का विरोध लगातार देखा जा रहा है और पाकिस्तान सरकार एवं आतंकवादियों के शरणदातों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीती शाम एनसीसी के पूर्व और वर्तमान छात्रों द्वारा फूलबाग से रेलवे स्टेशन तक विरोध रैली निकालते हुए वापस फूलबाग पहुंचकर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। देशभक्ति से लबरेज इन युवकों द्वारा यहां पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हम ये चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि जो कश्मीर में 370 धारा लगी हुई है वो हटाया जाए, जिससे क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आतंकवादी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। जब यहाँ से सभी लोग पहुँचेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये युवा देख रहे हैं आप सभी लोग जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट करके आए, तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम जैसे जो युवा हैं वो उन्हें भर्ती किया जाए और हम पूरा पाकिस्तान के लिए खड़े, पाकिस्तान को धूल चढ़ाएंगे। पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कलेक्टर के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शहर विकास की विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल ग्रामीण आजीविका मिशन, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत परियोजना, नेशनल हाईवे परियोजना, चंबल नदी से पेयजल योजना एवं 1000 बिस्तर के चिकित्सालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। कालिदास संस्कृति अकादमी द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय एवं महाकवि भवभूति शोध समिति के तत्वाधान में ग्वालियर में 21 फरवरी से भवभूति समारोह का आयोजन शुरू हो गया। इस समारोह में विविध साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां गालब सभागार में संपन्न होंगे। आयोजन के प्रथम सत्र में यहां शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति संगीता शुक्ला, भवभूति शिक्षा शोध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम शर्मा और कालिदास संस्कृति अकादमी के निदेशक प्रतिभा दवे मौजूद रही। मध्य प्रदेश की धरती को अनेक संस्कृत कवियों ने गौरवान्वित किया है, जिनमें भवभूति का नाम अन्यतम है। उन्होंने अपने तीन संस्कृत नाटकों से नाट्य जगत में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व उनका काल था। उन्होंने अन्य कवियों की पद्धति को छोड़ करके करुण रस को अपना मुख्य रस बनाया और अपने नाटकों की रचना की। ऐसे महाकवि के का पावन स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष ग्वालियर में अखिल भारतीय भवभूति समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्री प्रतियोगिताएं होती है, विद्वान उनके नाटकों पर केंद्रित शोध पत्रों की प्रस्तुति करते हैं। जो हमारे देश के संस्कृत कवि हैं वे यहाँ संस्कृत काव्य पाठ करते हैं और संस्कृत नाट्य रंग के संरक्षण के लिए कालिदास अकादमी प्रयत्नशील रहती है, तो उसी दृष्टि से संस्कृत नाटक की प्रस्तुति भी इस अवसर पर होती है। देश भर से हमारे आमंत्रित विद्वान यहाँ उपस्थित होकर महाकवि भवभूति को अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के अबाड़पुरा में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक नासिर खान ड्राइवरी का काम करता था और 13 फरवरी से घर से बाहर था और गुरुवार को सुबह घर वापस लौटा था। घर पर उसकी पत्नी और दो बच्चे भी उसके साथ रहते थे, लेकिन सुबह पत्नी किसी कारणवश घर से बाहर गई थी और बच्ची स्कूल गई थी। इसी कारण जब बच्ची घर वापस लौटी तो नासिर को फांसी के फंदे पर लटके देखा, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मृतक के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मर कायम कर लिया है। जो कंपनी है चुट्टाई एरिया के रहने वाले हैं, लेकिन है क्या हमारे भैया ने घर बना लिया आवारपुरा में, तो मारे थे वो जो गाड़ी चलाते थे। जो 13 या 14 तारीख को गए थे बाहर, आज आए थे सवेरे 7 बजे। घर में कोई भी नहीं था, भाभी चली गई थी कहीं काम से और मोड़ी थी तो वो स्कूल गई थी। बच्ची ने आके देखा, फिर मेरे को भाभी ने मेरी दुकान पर आई, भाभी ने मेरे को बताया कि भैया ने ऐसा ऐसा कर लिया। तो मैं दुकान से आया, फिर मैंने देखा नहीं, दुश्मनाई किसी पे नहीं है, हम गरीब आदमी पे क्या दुश्मनाई रही था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों का ऋण माफ कर अपने पहले वचन को पूरा कर लिया है और जल्द ही लाभार्थी किसानों के ऋण माफी की प्रगति पूरी हो जाएगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह और राम पांडे ने पत्रकारों से यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विकास योजना की भी जानकारी दी। दरअसल ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और राम पांडे गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय परिसर में पत्रकारों से मुखातिब हुए। प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में 51 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाना है, जिसमें से पहले चरण में करीबन 25 लाख किसानों को फसल ऋण माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। देखिए, कुल किसान तो करीब 51 लाख के आसपास हैं, लेकिन जो पहले 25 लाख किसानों को पहले चरण में ये ऋण मुक्ति मिलेगी। देखिए, ये तो सुनिश्चित था कि 2 लाख की सीमा है हमारे यहाँ, 2 लाख तक का ही हम किसान का जो कृषि संबंधित जो ऋण है वही माफ़ किया जाएगा। तो उनकी जो 2 लाख की सीमा जो है वो निश्चित ही है, 2 लाख से ऊपर का ऋण माफ नहीं होगा। श्री सिंह ने बताया कि किसान ऋण माफी योजना के दौरान कई किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने के मामले भी सामने आए हैं और इस घोटाले में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। देखिए, अभी जांच के घेरे में है, जो फॉर्म के माध्यम से जो जानकारी मिली है, जो 3 प्रकार के फॉर्म है उनसे जानकारी मिली है और किसानों ने व्यक्तिगत रूप से आकर भी आपत्तियां दर्ज की हैं। ग्वालियर चंबल सभाग इसमें अग्रणी था, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहीं पर किसान आकर निकल कर आए, जिन्होंने आपत्ति दर्ज की, जिनके नाम से फर्जी लोगों ने, भाजपा के समर्थित लोगों ने, उनके सरफरस्त लोगों ने जो कर्जा ले रखा था फर्जी, वो सामने आया तो उन्होंने स्वयं आपत्ति दर्ज की है। उस आपत्ति के आधार पर और बाकी दस्तावेजों के आधार पर अति शीघ्र उन पर कार्रवाई होने जा रही है और वो दंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, नेता हो, किसी पद पर हो, वो उससे दंड मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे, ये कमलनाथ जी का वचन है। पनिहार थाना इलाके में देर रात एबी रोड पर हनुमान मंदिर के सामने अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक शालू आदिवासी निवासी शिवपुरी रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने के लिए आया था और पैदल सड़क पार कर रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन उसे टक्कर देकर यहां से निकल गया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सर, हम आए थे अपने गांव से, आए थे मितगढ़ से हम आए थे भटपुरा ससुराल, किसी गमी में तो हम गमी में से वापस होके जा रहे थे। दोनों भाई थे, वो बड़े थे, मैं छोटा, तो वो मैं आगे था, वो पीछे थे, किसी बड़े बाहन ने आके पीछे से टक्कर मार दी, तो उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम है शालू पुत्र चुन्नी आदिवासी, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम हिम्मतगढ़ थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी का रहने वाला है, जो अपने साथी वीर सिंह के साथ गमी में ग्राम बराई के पास में इनका मोहल्ला है आदिवासियों का, वहाँ गमी में आए हुए थे तो शाम को वापस जा रहे थे। वापस जाते समय एवी रोड पनिहार पर
पड़ाव वाले हनुमान जी मंदिर के सामने शाम 8:30 बजे करीब कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महादेवगंज थाना इलाके के कमाटीपुरा में देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि मृतक निशान मीणा कुछ समय से दिल्ली में रहकर सोवा फैक्ट्री में काम कर रहा था और यहां दिल्ली में एक विवाहित महिला से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से महिला द्वारा बातचीत न करने के कारण वो डिप्रेशन में रहने लगा था। बताया गया है कि दीपावली के समय वह अपने घर ग्वालियर लौटा था और वापस दिल्ली भी नहीं गया था। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा बाबा था, दिल्ली में काम करता था, बाबा जाएगी नौकरी भी करता था, भविया नौकरी करता था, सोफे का काम करता था, कंपनी में लगा हुआ था। पता नहीं किसी वर्गी से अफेयर हुआ क्या हुआ पता नहीं कुछ कहता। कल दिवाली पे आया था ये, तो उसके बाद में ये हमने इसको रोक के जाने नहीं दिया। पद जो कहता था कंचन से शादी करूँगा बस, और शादीशुदा आया, वो मैंने सुना है शादीशुदा आया, बच्ची भी है उसके, हस्बैंड वगैरह सब हैं उसके। बातचीत होती होगी अपन, हमें हमसे तो कोई मतलब ऐसी बातचीत नहीं हुई उससे। पंजी कहता था उससे शादी करूँगा बस। इन्हें पता नहीं रात को अच्छे बात चाय आए पिए, कल दिन भर बच्चों के संग में खेल रहा है, और उसके बाद में शाम को चाय आए पिए इन्हें, फिर अंदर चले गया, खाना खाया नहीं कल इसने। फांसी पता नहीं कितने बजे, अभी सुबह हम चाय आए कि ये उठाया हमने तो देखा कमार, तो कमार जब खोल के देखा इसके पापा ने और हमारी मिसेस ने, तो देखा तो बैठा हुआ था। जब चल रहा है वो, जब सब भैया बन सब इकट्ठे हो गए। नहीं ये निषाद मीणा नाम है इसका, ये कमाटीपुरा मालूगंज में रहता है, दिल्ली में काम करता था, ये 3-4 महीने से यहाँ था, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अज्ञात का परिवार के हैं उसके, नहीं उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, अब ये तो घर के ही बता सकते हैं क्या मैटर है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।